दोस्तों नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल भारत दर्शन ब्लॉग पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम एक ऐसे नगर की यात्रा करने वाले हैं जो आज पूरी तरह से वीरान है, उजड़ चुका है, लेकिन आज से 35 साल पहले इसकी रौनक थी। अगर बिहार में इंडस्ट्री की चर्चा होती थी तो यहाँ की चर्चा जरूर होती थी। केवल देश ही नहीं, पूरी दुनिया भर में इसकी धमक थी। दोस्तों हम बात कर रहे हैं रोहतास जिला स्थित सोन नदी के तट पर बसे डालमिया नगर की। आज हम पूरे डालमिया नगर की यात्रा करेंगे। अभी आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये डेहरी रेलवे स्टेशन है और डेहरी रेलवे स्टेशन के इस साइड डेहरी ऑन सोन पूरा बाज़ार है और जब हम रेलवे स्टेशन पार करेंगे तो उधर डालमिया नगर है। तो चलिए पूरे डालमिया नगर की यात्रा शुरू करते हैं और यहाँ इसके उत्थान और पतन की कहानी भी आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों तो आप क्या कहना चाहते हैं डालमिया नगर के बारे में? डालमिया नगर सर प्लेन हो गया, हम लोग का जो भी रोजी रोटी था सब बंद हो गया। इधर अपन PPCL का फैक्ट्री है जी, वो भी बंद हो गया जी। इधर जपलान प्लांट है वो भी बंद हो गया जी। सोन का बालू है वही फाक के हम लोग रहेंगे सर जी जी। कोई तरह का कमाई का जरिया? तो ये भाई साहब कह रहे हैं कि यहाँ जो इंडस्ट्री थी डालमिया नगर के, ये तो बंद हो चुकी थी 1984 में, लेकिन उसके अतिरिक्त जितने भी इंडस्ट्री आस पास के थे वो सारे बंद हो चुके हैं और यहाँ के लोगों की रोजी रोटी पूरी तरह से छीनी जा चुकी है। निजाम बदलते हैं, सरकारें बदलती हैं, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसकी जिक्र नहीं करता, यहाँ के इंडस्ट्री की जिक्र नहीं करता, इसको रिवाइव करने की बात नहीं करता। आप देख रहे हैं डेहरी रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन का यह पुराना पुल है और इसके बाद नया पुल बना है। नए पुल से हम रेलवे स्टेशन पार करेंगे और पूरे डालमिया नगर की यात्रा करेंगे। तो चलिए डालमिया नगर की यात्रा शुरू करते हैं। जय बिहार। अब हम रेलवे स्टेशन पार कर चुके हैं और सामने आप देख रहे होंगे रेलवे स्टेशन का उस पार, यहाँ से डालमिया नगर शुरू होता है। ये जो पूरा इंडस्ट्री आप देख रहे हैं ये पूरी तरह से तबाह हो चुका है, वीरान हो चुका है। आज से 35 साल पहले यहाँ पूरा रौनक रहती थी। और चलिए हम स्टेशन से बाहर चलते हैं और डालमिया नगर की यात्रा जो है शुरू करते हैं। डेहरी रेलवे स्टेशन का पुराना पुल सामने आप देख रहे होंगे और यहाँ पर काम चल रहा है। डेहरी रेलवे स्टेशन को रिवाइव किया जा रहा है, ब्यूटीफाई किया जा रहा है, जोर शोर से काम चल रहा है। और जैसे ही आप रेलवे स्टेशन पार करेंगे इधर डालमिया नगर तरफ तो ये वाला रास्ता है। और यहाँ पर ऑटो स्टैंड है, परंतु जब से ट्रेनें नहीं चल रही हैं तो ये बिल्कुल सूना पड़ा हुआ है। यहाँ पर कोई आता ही नहीं ऑटो पकड़ने के लिए, तो दुकानें भी जो थी वो करीब करीब बंद हैं, एक आध दुकानें केवल खुली हैं। डालमिया नगर रेलवे स्टेशन से जैसे ही आप नीचे उतरेंगे तो यहीं पर बगल में माता जी का मंदिर है, आप सामने देख रहे होंगे, माँ भगवती, माँ दुर्गा, माँ भवानी, जय माता दी। डालमिया नगर का परिसर जिसकी धमक पूरे दुनिया में थी, पूरे एशिया में थी, आज उसकी हालत देखिए। यहाँ पर रेण उग चुका है और यहाँ पर पूरा गंदगी इकट्ठा है, पूरा गंदगी यहाँ पर हर जगह पड़ा हुआ है। पूरा एरिया हम आपको दिखा रहे हैं और सामने आप देख रहे हैं ये चार दीवारी है और यहाँ पर वनस्पति उद्योग की फैक्ट्री यहाँ पर हुआ करती थी। आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है रेल मंत्रालय की संपत्ति, यानी कि रेलवे ने इसका अधिग्रहण कर लिया है। चलिए अंदर चलते हैं, अंदर आपको दिखाते हैं। और ये आप देख रहे हैं सामने ये फैक्ट्री जो बर्बाद हो चुका है, फैक्ट्री के ऊपर पेड़ उगा हुआ है। आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्या वजह थी कि स्वर्ग सा प्रतीत होने वाला, स्वर्ग सा दिखने वाला डालमिया नगर तबाह हो चुका, बिहार के डेवलपमेंट में जिसका बहुत बड़ा योगदान था तबाह हो चुका है।
वो पूरी कहानी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे दोस्तों। आगे हम अभी आपको दिखा रहे हैं डालमिया नगर के बर्बादी की कहानी, डालमिया नगर के पतन की कहानी। ये डालमिया नगर के पतन की कहानी नहीं बल्कि बिहार के पतन की कहानी है। बर्बाद हुई फैक्ट्री परिसर में पूरा जंगल लगा हुआ है, पूरा पेड़ उगे हुए हैं। एक फैक्ट्री की वानगी हमने दिखाई, यहाँ पर ऐसे अनगिनत फैक्ट्रियाँ हैं, आगे हम यात्रा करेंगे तो आपको दिखाएंगे। और पूरी यहाँ की यात्रा करने के बाद आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे दोस्तों। चलिए यहाँ से आगे की यात्रा शुरू करते हैं। डालमिया नगर डालडा फैक्ट्री के जस्ट अपोजिट साइड में आप देख रहे हैं, ये एल्बेस्टर की फैक्ट्री है। ये भी बहुत बड़ा प्लांट हुआ करता था, उसकी चार दीवारी अभी हम आपको दिखा रहे हैं। और इसके जस्ट अपोजिट साइड में डालडा फैक्ट्री से लगा हुआ ही कैंटीन है, ऊपर हम आप देख रहे होंगे कैंटीन लिखा हुआ है। और ये जो कैंटीन आप देख रहे हैं, ये दोनों प्लांट का कैंटीन हुआ करता था। दोनों प्लांट, डालडा प्लांट और एल्बेस्टर प्लांट, दोनों प्लांट के वर्कर्स यहाँ पर आकर के नाश्ता और भोजन किया करते थे। यहाँ पर आप देखिए अभी इसकी क्या हालत है। एक काउंटर था, यहाँ पर ताला लग चुका है, पूरी तरह से बंद है। डालमिया नगर के पतन का सीन आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। एक किस चीज का इंडस्ट्री है ये वाला, किस चीज का? शुगर फैक्ट्री है। ये बंद हो चुका है, ये अंदर थोड़ा देख सकते हैं अंदर है? थोड़ा दिखना है, दिखाना है मीडिया से है। आखिरकार गार्ड साहब ने हमें अनुमति दे दी ये शुगर फैक्ट्री में आने के लिए। अंदर आप देख रहे हैं ये डालमिया नगर का शुगर फैक्ट्री है, चीनी मिल है। आज से 35 साल पहले ये भी गुलजार था। यहाँ से चीनी का जो निर्यात होता था पूरे दुनिया भर में होता था। और अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर पूरी तरह से जंगल है, झाड़ है, पूरी तरह से तबाह हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। यहाँ का जो सीन है डालमिया नगर की कहानी को बयां करता है दोस्तों। चलिए यहां से आगे की यात्रा शुरू करते हैं। अभी मैंने आपको यहां डालमिया नगर का शुगर फैक्ट्री दिखाया, सामने अभी आप देख भी रहे होंगे, और इसके बगल में एक और फैक्ट्री, यहां पर देखिए गेट है अंदर जाने के लिए वर्कर्स के, और वर्कर्स से बाहर आने के लिए। आप देख रहे हैं 1984 के बाद जब गेट तालाबंदी हुई थी, उसके बाद एक तालाबंदी एक खुली भी नहीं है। और अभी हम अंदर का दृश्य आपको दिखा रहे हैं, फैक्ट्री के अंदर का सीन। फैक्ट्री का ढांचा पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, प्लेन हो चुका है, अंदर जंगल है, कबाड़ा है। एक बड़ा सा इंडस्ट्री जहाँ पर प्रोडक्शन होता था वो आज कबाड़ा में बदल चुका है। ये हमारे बिहार की कहानी है दोस्तों, बड़ी अजीम दास्तान है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर काउंटर बने हुए हैं,